जी मैं यही कहूँगी कि सब लोगों ने बहुत अच्छे से गवर्नर एड्रेस सुना, सब ने मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन पीडीपी ने अपनी क्रूर मानसिकता का प्रदर्शन पहले भी किया था और उसी क्रूर मानसिकता को लेके वो आज भी बोल रही थी, बौखलाई हुई थी। तो मैं यही कहूँगी जनता के हित के बारे में हमें, अगर जनता ने, हम जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए, हमें सड़क पानी और बिजली को लेकर बात करनी चाहिए, ना कि 370 के राग को लापना चाहिए। क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत सारे लेजिस्लेचर्स हैं जो बहुत कम उम्र के थे, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो बहुत पहले चुन के आए थे, और भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मैं ये कहूँगी कि इसके लिए मैं किश्तवाड़ के तमाम लोगों का तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा का अवसर दिया, और मैं उनसे ये वादा करती हूँ कि जब तक शगुन परिहार इस सदन में बैठी हुई है, वो किश्तवाड़ के तमाम लोगों की सड़क पानी और बिजली की समस्या को लेकर पूरे हक से आवाज़ उठाएगी, ज़ोरों शोर से आवाज़ उठाएगी और पूरी कोशिश करेगी कि इस टेनवर में वहाँ पे सड़क पानी और बिजली की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाए। आगे जाके और भी स्थिति की जी मैं यही कहूँगी, जिस तरीके से आज हमने ये जो बैठे हुए थे लोग, इनको बात करने नहीं दी इस चीज़ को लेके, जो कि गलत बात है, जो 370 लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे मोहर लगाई हुई है, ये उन चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को पहले भी गुमराह करते थे और आज भी गुमराह कर रहे हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह का रेजोल्यूशन लाती है तो क्या आपका समर्थन रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा समर्थन। जो चीज़ देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ होगी, हम उस चीज़ का समर्थन कभी नहीं करेंगे, ना तो पहले कभी किया था, ना ही आगे कभी करेंगे।